सुबह सुबह हम निकले अभी इच्छापुर से और अभी पहुंच गए बरहानपुर। बरहानपुर के आगे ये है आशीरगढ़ फोर्ट, ये दक्षिण का महाद्वार कहा जाता है। छुटपुट बारिश के बीच अभी हम पहुंचे ओंकारेश्वर। संत गजानन महाराज शेगांव संस्थान द्वारा संचालित ये है ओंकारेश्वर का पुण्यश्लोक अहिल्या देवी सेवा केंद्र। ओंकारेश्वर में ठहरने के लिए सबसे अच्छी जगह है संत गजानन महाराज शेगांव संस्थान का मठ। शेगांव संस्थान की खासियत यहाँ भी देखने को मिलती है, स्वच्छता, सुंदरता और सेवा। अभी पहुँचे हम नर्मदा मैया के किनारे स्नान करने के लिए। ये पीछे जो दिख रहा है वो है नर्मदा मैया पर बना ओंकारेश्वर डैम, और डैम के पास से सामने दूर तक नर्मदा मैया का विशाल पात्र नज़र आता है, और उसी किनारे ये जो ब्रिज बना है वो ब्रिज के पार जो दिख रहा है वो है ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर जाने का प्रवेश द्वार यहाँ से अभी हम जाएंगे दर्शन के लिए। ये गोमुख घाट, यहाँ पर गोमाता के मुख से बहता हुआ ये पवित्र जल। ये ओंकारेश्वर मंदिर का दृश्य, विलोभनीय दृश्य, और उसके साथ साथ ये ओंकारेश्वर की खूबसूरती भी देखने लायक है।